शोकन डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने प्रदीप सुदकन की ओर से राम राम सत श्री अकाल भाई। तो आज का वीडियो लेके आए हैं गांव ड्योला जिला जींद से सीता भाई के यहाँ से पशुपालक भाई। वीडियो को पूरा जरूर देखें, लगातार कोशिश करते हैं आप भाइयों को अच्छी अच्छी क्वालिटी की चोटियाँ दिखाने की। पूरी जानकारी लेंगे कि कहाँ पे जो भैंसे वो चोटियाँ जा रही है, तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। सीता भाई राम राम। राम राम भाई प्रदीप। वो ठीक हो? ठीक ठाक। अपने दर्शकों और राम प्रदीप भाई जी। राम राम जी सारे दर्शकों। सीता भाई अपना एड्रेस कंफर्म कराओ दोबारा एक बार। गांव ड्योला जिला जींद, मोबाइल नंबर 93 पूरा 500 17 565। ठीक है सीता भाई, अपना एक ही नंबर है? हाँ एक ही नंबर। चलो सीता भाई, तो काम धंधा कैसा चल रहा है अपना? बढ़िया चल रहा है प्रदीप भाई। ठीक चल रहा है? हाँ बिल्कुल। चलो जी भाई जी, जैसे भी मैंने कई वीडियो बनाई है दिलवाने की थी, वो सभी ग्राहक आए थे। आज भी जो वीडियो बना है, ग्राहक पहले भैंस ले गए थे, एक तारीख को ली हुई भैंस थी। अच्छा। पैसा पूसा डाल लिया और फिर वो उदन दार निकाल के गए वापिस। अब मैं इनको छोड़ के आऊंगा। अच्छा। अयोध्या जाएंगी। अयोध्या जाएंगी? अयोध्या जाएंगी। तो भाई अयोध्या के लिए जो कितनी जा रही चोटियां? दो चोटियां जा रही दो। और जो ग्राहक थे वो आकर लेके? हाँ वो लेके चले गए। अच्छा। चार दिन पहले। तो देखो भाई, मतलब सीता भाई ऐसा सिस्टम है, जैसे दो चार दिन तक रोकनी पड़ेगा, रोक से कहा कोई दिक्कत नहीं? मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्यों? देखो आगे जाने की सेटिंग भी है, गाड़ी की सेटिंग करनी पड़े, सारी सौदा की सेटिंग कर दें प्रदीप भाई। अच्छा। अपने घर पे भाई भैंस 3-4, 5-4 दिन, 10 दिन कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं भाई। अच्छा जी, ये भैंस है कम से कम मान ले 4-5 दिन अपने पास रुकी रुकी है। अच्छा। और अयोध्या जा रही है जी भाई, तो एक बार दिखाएं सीता भाई किस तरह की क्वालिटी दी है। तो आप भी सीता भाई से संपर्क कर सकते हैं जी, और भाई का काम दिलवाने का, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वालिटी की चोटियां दिलाते हैं। जैसे भाई कई बार मैंने वीडियो कवर की है, पंजाब से भी भाई लेने के लिए आए हैं। दिखाएं सीते भाई। भाई पहले नंबर पे चोटी, और ये देखें भाई सीते भाई डिटेल इसकी। भाई पहला ब्याह की है भाई। अच्छा प्रदीप है। फर्स्ट टाइम। पूरी 7 दिन की ब्याह होगी भाई, 31 तारीख की ब्याह हुई है। पूरे 7 दिन की ब्याह होगी, 6 तारीख में वीडियो पे कर रहे हैं। हाँ। और 11 लीटर 12 लीटर दूध जमा तैयार है भाई। 11-12 लीटर दूध जमा तैयार है, क्योंकि 4-5 दिन से अपने घर पे है। हाँ। डेयरी में तुला है, इसलिए अपने वैसे तो बोलना रहा पे जमा पक्का तैयार 11 बार है, कंटे का तोल मतलब। हाँ, बिल्कुल। हाँ। जो तोल का मतलब जावा अपना दूध। देखें भाई बहुत जबरदस्त आइटम, उम्मीद करके दुआई है प्रदीप। 16-17 दूध। अच्छा दे दे आराम से, मुंह से 4 दांत है। अच्छा, मुंह से 4 दांत और 16-17 किलो दूध दे देगी, पक्की जड़की है भाई। ये देखें भाई। हाँ भाई देखो, और बढ़िया दूध निकाल रहे हैं सीता भाई ये। हाँ ये देखें भाई, ऑर्डर पे नशे और हाइट इतनी ज्यादा है, पीठ पुठे क्वालिटी आप देखें। ये देखो ऊपर नू देखना पड़ा है भाई, लगभग सीता भाई के बराबर हाइट है। ये देखो बराबर खड़े हुआ है सब। ये देखो बहुत ज्यादा हाइट लेंथ इसकी है। और बच्चा साथ में इसके क्या है? कटड़ी भाई। अच्छा कटड़ी साथ में है। 1 हफ्ते की ब्याह, 12 किलो दूध इसके नीचे तैयार है जी। तो भाई इसका रेट वगैरह कुछ बताओगे? रेट तो भाई जो वो कर गए ना। हाँ। वही अपना ठीक है, जो लेके गए पैसा उतर लिया, रेट बताने से क्या मतलब। अपना घरेलू थे। अच्छा। लेके गए दूध पीने के लिए ले गए। अच्छा जी। तो रेट का तो वीडियो देख कर अनुमान भी लगा लेंगे भाई, ऐसा ऐसा पशु। हाँ कितना का? और देखो भाई रेट वगैरह की तो बात ऐसी है, जैसे कुछ कस्टमर है जो बोलते हैं अपना रेट ना बताएं, तो जी वो आपको नहीं बता पाएंगे, उसके लिए आप सबसे भाई माफी चाहेंगे। और दूसरे नंबर वाली भाई? दूसरे नंबर की भाई ये पहलवान है भाई। अच्छा भाई जी। मुंह तो 6 दांत हो रही है। अच्छा 6 दांत खोल लेते हैं एक बार भाई थोड़ा। ये बोल दो नहीं भाई। हाँ हाँ भाई, लगने में तो दूसरा लगेगी। हाँ पूरा हाथी का बच्चा। ये देखें जी क्वालिटी इसकी भाई, और जो पुट्ठी क्वालिटी है, पीठ देखें भाई बहुत ही जबरदस्त। फर्स्ट टाइमर। मुंह तो 6 दांत है भाई। अच्छा मुंह से 6 दांत है। हाँ, बार बार रिपीट हो गई, अपना मालिक ने जी नहीं उतरिया मालिक का। अच्छा अपना हौसला बनाए रखा। हाँ, भाई वो कभी तो आवेगी। हाँ घुमा भाई घुमा ले। ये देखें भाई, और जो रिपीट होने से बाद देखो पशु थोड़ा पक्कापन उसमें नजर आने लग जाए, तो टाइम के हिसाब से देखो ग्रोथ तो है, और पूरा टाइम मिल जाए तो भाई जो शरीर की ग्रोथ है वो देखें बहुत ही शानदार हुई इसकी। और अदर क्वालिटी आप देखें भाई, इसमें मौका पे प्रदीप है जमा तोलन का दूध, तोल का 15 लीटर तैयार है भाई। घंटा का या भी 7 दिन की ब्याह भाई। 7 दिन की ब्याह 15 किलो दूध तैयार। हाँ और 20 तो बार बार दूध देगी पहलवान। अच्छा 20 से बार बार भाई। ये देखें
सुनो की स्पेसिंग भाई, और भाई बोल रहे हैं वैसे दिखने में सेकंड टाइमर टाइमर लग रही है लेकिन है फर्स्ट टाइमर। और देखो भाई जो साथ में ग्राहक लेने के लिए आए थे उन्होंने अच्छे तरीके से देख के लिया। ये देख प्रदीप है, हाँ ये जो टी है, हाँ पिछले ब्यात दो दांत थी, मैंने दिलाई थी ये यूपी, हाँ नवेडा, और बाखड़ी लेके आया हूँ इसको। अच्छा बाखड़ी लेके आया हूँ, हाँ, बाखड़ी लेके आया हूँ। पिछले ब्याह दो दांत थी, इसको दूध दिया 16 लीटर। अच्छा दो दांत ना, बाखड़ी लेके आया हूँ, दो महीने ब्याने के रह रहे। अच्छा दो महीने ब्याने के है, हाँ बाखड़ी भी मतलब 1.5 लाख की लेके आया हूँ भाई। अच्छा तो देखे भाई जी जो लेके आए हैं, तो आपका सेल का इरादा खुद इसका सेल ब्याने के बाद करेंगे। अच्छा ब्याने के बाद सेल करोगे, हाँ ये यू कट्टा इसका है M29 का, इसे कटड़ी नीचे, हाँ नौ भी नया कट्टा भाई, जब एक भी नहीं ब्याई थी जब भी प्रेग्नेंट हो गई थी या ये भी। अच्छा। इसके दो भी नहीं रह रहे हैं, हाँ यू नौ भी नया कटड़ा। अच्छा नौ भी नया कटड़ा, ये M29 का कटड़ा है, M29 का कटड़ा भाई। यू यू बेच जाए भाई, प्योर उसकी माँ पे जमा सिंह सांग था। अच्छा अच्छा यू कटड़ा बेच जाए यहाँ पे, तो भाई छोटा कटड़ा अगर किसी को चाहिए तो भाई इसका रेट, भाई इसका रेट ईव का तो भाई प्रदीप है 28,000 रुपये। अच्छा सारी क्वालिटी है कट्टा में, सिंह भी बढ़िया बनाएगा। ये देखें जी भाई, उसी तो भाई इस दूसरे नंबर वाले का भी रेट नहीं बता पाएंगे ना, उस दूसरे नंबर का भी रेट नहीं बताएंगे। चलो जी भाई, और उसी तो भाई आगे एक बार, तो भाई जैसा आप वीडियो आपकी कवर करते हैं खरीदने के लिए, आपके पास काफी सारे कस्टमर आ रहे हैं। हाँ भाई, और देखो आज भी आ रहे हैं भाई कस्टमर, तो खरीद पर जा रहे हैं। हाँ चलता रहता देखो जी तो काम, और स्पेशली अपना काम है दिलवाने का, तो संपर्क कर सकते हैं दिलवाने के लिए, दिलवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं, कोई भी भाई आओ। ठीक है ठीक है सीता भाई, राम राम। राम राम भाई। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी भाई वीडियो को, सभी पशुपालक भाइयों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय माता, मिलते हैं और नई वीडियो में।